सुम्बुल तौकीर खान का म्यूज़िक वीडियो हुआ आउट, हैशटैग फहमान खान हुए ट्विटर पे ट्रेंड। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि कैसे फैंस एक बार फिर मिस कर रहे हैं फहमान को। आखिर क्या वो बड़ी वजह है कि सुम्बुल का म्यूज़िक वीडियो आउट हुआ है लेकिन फहमान खान हो रहे हैं ट्विटर पे ट्रेंड। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। सुम्बुल तौकीर खान ने फहमान खान को अपने म्यूज़िक वीडियो में इनवाइट न करके सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि लोग ये कयास लगा रहे थे कि इन दोनों के बीच में कुछ भी हो एटलीस्ट सुम्बुल और सुम्बुल की फैमिली बड़ा दिल तो ज़रूर दिखाएगी। लेकिन अब ये साफ़ हो चुका है कि सुम्बुल ही नहीं उनके फैमिली में किसी के पास दिल नहीं है। ये कुछ दिनों पहले फहमान खान ने भी कहा था कि सुम्बुल और उनकी फैमिली के पास किसी के पास दिल नहीं है, वो बिल्कुल भी अब सेल्फिश हो चुके हैं। और ये बात अब सामने नज़र भी आ गई है। सुम्बुल ने अपने ऐसे ऐसे दोस्तों को भी बुलाया जो दोस्तों के नाम पर सुम्बुल की भी बेइज्जती किया करते थे। लेकिन अब सुम्बुल तौकीर खान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है फहमान खान को म्यूज़िक वीडियो में ना बुलाकर। अब फहमान खान के फैंस लगातार सवाल उठा रहे हैं और लोग जो फहमान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो सुम्बुल की पॉपुलैरिटी को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में अब फहमान के फैंस बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और लोग फहमान खान के सपोर्ट में आ रहे हैं। खास करके वो फैंस जो सुमान के फैंस थे यानी कि सुम्बुल और फहमान के फैंस, अब लोग सुम्बुल को ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सुम्बुल पर बिग बॉस की पॉपुलैरिटी सवार हो गई है। सुम्बुल तौकीर खान को यूट्यूब चैनल पर जिस तरीके से पॉपुलैरिटी मिली है उसमें एक बड़ा हाथ है बिग बॉस का और इसी का फायदा सुम्बुल उठा रही है। लेकिन सुम्बुल अब पॉपुलैरिटी के उस स्तर पर पहुंच गई है कि उसको अब अपने दोस्तों की भी याद नहीं आ रही है। इस पर अब फहमान खान को लेकर लोग इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं जो आपके सामने हैं। एक यूजर ने लिखा, इट इज अ वेरी रेयर टू फाइंड द जैम लाइक फहमान खान हु रिस्पेक्ट हिज क्राफ्ट जस्ट हिडेड ड्यूरिंग हिज स्ट्रगलिंग डेज हैशटैग फहमान खान अगले। एक और यूजर ने लिखा, अनदर ब्यूटीफुल हग रवि एंड प्रीति फहमान खान विथ कृतिका सिंह यादव हैशटैग धर्मपत्नी अगले। एक और यूजर ने लिखा, दे आर लुकिंग गुड रविश का हैशटैग धर्मपत्नी हैशटैग फहमान खान अगले। एक और यूजर ने लिखा, हीरो नंबर वन हैशटैग फहमान खान। दूसरे एक और यूजर ने फहमान और कृतिका सिंह यादव की केमिस्ट्री को शेयर किया और ये केमिस्ट्री शेयर करने की एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, आज काफी लंबे समय के बाद फहमान खान ट्रेंड हो रहे हैं ट्विटर पर और ये सुम्बुल को जेलस कराने के लिए फहमान खान के फैंस इनको ट्रेंड करा रहे हैं। क्योंकि अब ये बातें सुम्बुल को पता होनी चाहिए कि फहमान खान इंडिविजुअल भी इतने बड़े स्टार हैं कि वो खुद ब खुद उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग उनको ट्विटर पे याद करते हैं और फैंस उनको ट्रेंड भी चलाते हैं। वरना सुम्बुल अब तक ये सोच रही थी कि सुम्बुल के ही चलते फहमान ट्रेंड हुआ करते थे। हालांकि सुम्बुल और फहमान के सबसे अच्छे दोस्त और इमली शो में काम कर चुके गौरव ने तो ये साफ तौर पर इंटरव्यू में कहा था कि फहमान खान को भी इस म्यूजिक वीडियो के लॉन्च पार्टी में आना चाहिए था, जिसके बाद फैंस ने यहां पर रिएक्शन दिया, ह्यूज मिस म्यूजिक वीडियो, स्टिल मिसिंग मेरा फहमान, ही इज एवरीवन दिल एवरी पार्टी, इनकम्प्लीट विदाउट फहमान, हैशटैग फहमान, हैशटैग सुमान। अगले एक और यूजर ने लिखा, फहमान डिड बे इरादा एंड वाज रेडी टू लिसनर, ही डिड व्हाट ही कुड टू प्रमोट इट, ही वॉज फोकस एंड वॉजेंट फियर्ड एट ऑल ऑफ द रिजल्ट, नॉट इवन बाय सिमर कैंपेन ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू डिसग्रेट हिम एंड द म्यूजिक वीडियो। यहाँ पर सुम्बुल को लोगों ने निशाना साधा कि सुम्बुल तौकीर खान ने जिस तरीके से फहमान खान को इन्वाइट न करके इंसल्ट करने की कोशिश की है, इसमें अब साफ तौर पर लोग जो हैं वो अब सुम्बुल के म्यूजिक वीडियो पर गुस्सा निकालने की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि फहमान खान दोस्तों के दोस्त हैं। फहमान ने जब भी किसी से दोस्ती निभाई है तो अंत तक निभाई है, लेकिन सुम्बुल को लेकर जो ये बातें कही जा रही थी कि सुम्बुल दोस्तों की दोस्त है, यारों की यार है, तो अब सुम्बुल एक्सपोज हो गई है। सुम्बुल का साफ सच्चाई पता चल चुका है कि सुम्बुल को किसी दोस्त से मतलब नहीं है, सुम्बुल सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम के पीछे दीवानी हो चुकी है। तो यही वो बड़ी वजह है जिसके चलते लोग फहमान खान को ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या वाकई सुम्बुल ने सही किया है फहमान खान को ना बुलाकर म्यूज़िक वीडियो लॉन्च पर, या फिर आपको लगता है कि ये सरासर गलत है। तौकीर साहब को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें सबसे बड़ा योगदान तौकीर साहब का है। लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन, मैं जानना चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।